emerging in Michigan, and I am Bhumi. And today I teach you about gerund. Gerund. First, let's tell about gerund. Is a non-finitive verb. Non-finitive verb means जिसका कोई subject ना हो. और इसमें सबसे अलग बात यह है कि इसमें जो मतलब जब sentence start होता है जब तो उसमें ing लगा होता है, ना कि कोई like is a mar वो जैसे मेरा फॉर्मूला है यूज एनी टेंस. आप इसमें कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे इज ए मार वॉज वर प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यू या कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं. इसकी पहचान टेंस के अनुसार जो आप टेंस यूज कर रहे हैं उसी में जो वही इसकी पहचान होगी. जैसे मेरे कुछ एग्जाम्पल है, स्लीपिंग इन क्लास रूम इज नॉट गुड. जैसे मैंने अभी बताया था कि जब स्टार्ट होता है सेंटेंस तो उसमें आई एन जी लगा होता है. जैसे ये मेरा पहला सेंटेंस स्लीपिंग, ये जो हमारा वर्ब है और आई एन जी बोलकर जो लगता है या लास्ट में लगता है, तो इधर लास्ट में टाइप लगा है. स्लीपिंग इन क्लास रूम इज नॉट गुड. क्लास रूम में सोना अच्छा नहीं होता. और सेकेंड, ब्रशिंग डेली इज अ गुड हैबिट. रोज ब्रश करना एक अच्छी आदत है. ऐसे ही आप कई भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इसको आगे लगा के. यही टैलेंट है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एम एस सी ज्ञान. एंड थैंक्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.